नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो कॉन का अल्ट्रा स्लिम टीवी है दोस्तों। और इसका प्रॉब्लम ये है दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ कि स्टैंड बाय लाइट आता है और स्टैंड बाय रिलीज करने से रिलीज भी हो जाता है, लेकिन स्क्रीन कुछ भी नहीं आता है दोस्तों। मैं प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टैंड बाय लाइट आ गया। अब मैं पावर बटन रिलीज करता हूँ दोस्तों। देखिए रिलीज हो गया, लेकिन स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इसका प्रॉब्लम देखते हैं दोस्तों, इसके लिए चलिए पीछे साइड चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग पीछे साइड आ गए हैं और हम लोग पहले वोल्टेज चेक कर लेंगे। जबकि स्टैंड बाय आ रहा है, इसका मतलब पावर सप्लाई ऑन रहेगा। फिर भी हम वोल्टेज चेक कर लेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले ये हम लोग कॉल टेस्ट भी कर लेते हैं। तो मीटर अभी कंटिन्यूटी रेंज में है और हम लोग अभी चेक करेंगे कि 110 वाला जो डायोड एसएम टेस्ट निकलता है उसको चेक कर रहे हैं। ये शॉर्ट नहीं बता रहा है और ग्राउंड के साथ हम लोग चेक करेंगे। ग्राउंड के साथ भी शॉर्ट नहीं बता रहा है दोस्तों। तो अभी हम लोग वोल्टेज चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 61 है और यहाँ पे मैं जो रजिस्टर सोर्स से हमारा पीएसटी को सप्लाई जाता है 110 वोल्ट या 114, उसको मैं रजिस्टर को ओपन कर दिया हूँ और अभी मैं पावर ऑन करता हूँ। स्टैंड बाय रिलीज हो गया दोस्तों, 114 वोल्ट यहाँ पे है और मैंने इसको ओपन किया हूँ। उसको मैं होल्डिंग करके देखते हैं दोस्तों। फिलहाल मैं वो रजिस्टर को होल्डिंग कर दिया हूं और अभी वोल्टेज देखते हैं। यहाँ पर 60 वोल्ट है और इस पर कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि रजिस्टर खराब हो गया होगा। तो हम लोग रजिस्टर को ओपन कर लेते हैं दोस्तों।
रजिस्टर ओपन हो सकता है दोस्तों, हम लोग पहले रजिस्टर को निकाल लेंगे। दोस्तों ये है दोस्तों रजिस्टर, और इसको हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं बता रहा है दोस्तों, तो ये रजिस्टर खराब है दोस्तों। हम लोग दूसरा रजिस्टर चेंज करके देखते हैं। लेकिन दोस्तों रजिस्टर चेंज करने से पहले हम लोग GST को भी चेक कर लेंगे, क्योंकि रजिस्टर क्यों उड़ा है, तो ग्राउंड के साथ शॉटिंग हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों लो वैल्यू का शॉट बता रहा है ग्राउंड के साथ, तो हमको डाउट है दोस्तों GST का, तो हम लोग GST निकाल के चेक कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग कन्फर्म होंगे और रजिस्टर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं GST का निकाल लेता हूं दोस्तों, और GST निकालने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि GST निकालते निकालते बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैंने GST को निकाल दिया हूँ, और अभी हम लोग चेक करेंगे PCB का ग्राउंड के साथ। PCB का ग्राउंड और आउटपुट का कलेक्टर के साथ चेक करेंगे। देखिए दोस्तों मीटर में कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा है, तो हम लोग GST को चेक करेंगे दोस्तों, इसका प्राइमरी और सेकेंडरी। तो दोस्तों इसका इसका प्राइमरी चेक करते हैं दोस्तों, प्राइमरी ठीक है। देखिए दोस्तों ये प्राइमरी और सेकेंडरी वापस में शॉर्ट बता रहा है, तो इसी वजह से हमारा GST नहीं बन पा रहा था, और इसी वजह से दोस्तों हमारा जो GST को सप्लाई वाला रजिस्टर खराब हो गया है। तो हम लोग ये रजिस्टर बदलने से पहले शॉर्ट देखना पड़ता है, अगर शॉर्ट सर्किट है तो हमको चेंज करना पड़ता है दोस्तों। तो हमको शॉर्ट मिल गया है दोस्तों, तो हम लोग अभी नया वाला एक GST चेंज करेंगे। और ये वीडियोकॉन अल्ट्रा स्लिम का TV है दोस्तों, तो इसका GST का नंबर है दोस्तों BSC 2501N 4095K। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पास भी सेम नंबर का है, जो कि BSC 2501N 4095K। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी लगाएंगे दोस्तों, और अभी GST को मैं
लगाऊंगा दोस्तों। तो इससे पहले दोस्तों बोर्ड का जो लगने वाला होल है उसको साफ कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपने नया इसको यहाँ पर डाल देंगे दोस्तों। देखिए ये स्टील लग गया है दोस्तों, अभी हम लोग सोल्डरिंग कर लेंगे। ठीक से सोल्डरिंग कर लेंगे दोस्तों। ठीक से सोल्डिंग होना है दोस्तों अच्छा से, क्योंकि इससे हाई वोल्ट जनरेट होता है, ये जल्दी से बैक सोल्ड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब सॉल्डरिंग हो गया है तो अभी हम लोग इसका जो स्क्रीन ग्रिड और फोकस का कनेक्शन कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जो लॉक किया हुआ है इसको प्रेस करने से लग गया दोस्तों। और यहाँ पे देखिए ठीक है, ये दोनों लग गया है दोस्तों। हम लोग पहले उसका शॉर्टिंग के लिए चेक कर लेंगे दोस्तों।
तो मैं मीटर को डायड रेंज में रख लेता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अभी ग्राउंड के साथ मैं इसका कलेक्टर को चेक कर रहा हूँ दोस्तों, कभी कोई सेटिंग नहीं बता रहा है दोस्तों, लेकिन पहले 100 कुछ सेटिंग बता रहा था, 163 या ऐसा कुछ सेटिंग बता रहा था दोस्तों, और अभी फिलहाल कुछ भी सेटिंग नहीं है। तो अभी हम लोग नया रजिस्टर डालेंगे दोस्तों, जो कि है मेरे पास ये लो ओम्स का रजिस्टर है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो दोस्तों रजिस्टर लग गया है और सोल्डरिंग भी कर लिया हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे सोल्डरिंग भी हो गया है दोस्तों, फिर से अभी एक बार सेटिंग जो है चेक कर लेंगे। तो अभी भी सेटिंग नहीं बता रहा है दोस्तों, और अभी हम लोग टीवी को चालू करेंगे और वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों। सॉरी दोस्तों मैंने मेन लीड, तो दोस्तों अभी हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं, 60 हो गया है और उसका कलेक्टर में भी 60 वोल्ट आ गया है दोस्तों। मैं पावर रिलीज करता हूँ, एक 114 वोल्ट आ गया है दोस्तों, और हमारा टीवी जो की डेड था, स्क्रीन ऑन होना चाहिए, तो स्क्रीन में जाके देखते हैं दोस्तों टीवी स्क्रीन में कि टीवी ऑन हुआ है कि नहीं। तो स्क्रीन पे आ गए हैं दोस्तों और टीवी चालू हो गया है, अब देख पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद दोस्तों।